नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। वसूली से परेशान ऑटो चालकों ने तहसील में किया प्रदर्शन। कार्रवाई किए जाने को लेकर थाने में दी तहरीर, चालक की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। घिरौर में ऑटो के लिए कोई भी वैधानिक स्टैंड नहीं है, लेकिन रसूखदार चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। चालकों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन दिया है, थाने में शिकायती पत्र सौंपा है। मंगलवार को ऑटो लेकर तहसील पहुंचे ऑटो चालकों ने प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भाई देखा जाए तो सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन सभी फेल हो रहे हैं। जबकि स्टैंड के नाम पर सख्त आदेश जारी, कहीं भी स्टैंड के नाम पर वसूली नहीं की जाएगी, फिर भी वसूली बराबर घिरौर में की जा रही है। बताया कि अवैध वसूली टेम्पो चालकों से की जा रही है, मनमाने तरीके से रुपए न देने पर आए दिन गाली। अवैध वसूली को लेकर के भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार, मंडल कोषाध्यक्ष राम प्रताप रघुवंशी का कहना है कि वसूली जमकर की जा रही है, इससे भाजपा सरकार की छवि धूमिल हो रही है, बड़े नेताओं को जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस अवसर पर टेम्पो चालक धर्मेंद्र कुमार, श्याम सिंह, दीप सिंह, सुनील कुमार, प्रभाकर सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुखदेव, प्रदीप, शिवेंद्र, मनशाराम आदि लोगों ने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर क्या बोले प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या भाजपा नेता, आइए सुनिए खबर। इसलिए कर रहे हैं कि दिक्कत सबको है, अवैध वसूली हो रही है, जबरन मांग पैसे मांगे जाते हैं, पैसे ना देने पर मारपीट होती है। किसके अवैध वसूली हो रही है, क्या करते हैं आप लोग? ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक है। तो अवैध वसूली स्टैंड की जा रही, किसकी की जा रही? गुंडा राज गुंडागर्दी से जबरन वसूली की जा रही है। कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 30 रुपए मांगते हैं, अगर जेब में 100 हो तो 100 ले लिए जाते, 50 हो तो 50 ले लिए जाते हैं। और सरकार द्वारा ठेका समाप्त कर दिए हैं, फिर भी वसूली हो रही है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ठेका बंद हो जाए, अवैध वसूली बंद हो जाए। संजीव सिंह बघेल, मंडल अध्यक्ष भाजपा घरोट। आप लोगों का ये क्या मामला है, जो आप इनके साथ हैं, क्या है मामला? ये है कि ये लोग आए टम्बू वाले, इनके साथ परसों कोई घटना हुई है, मारपीट हुई है। ये रोजी रोटी कमाते हैं और टम्बू चलाते हैं, तो यहाँ अभी वसूली की जाती है, जबकि सरकार द्वारा ठेका कोई है नहीं, और यहाँ पर जबरन लोग हैं वो वसूलते हैं। नाम वाम नहीं बताएंगे, खुद ही कौन है क्या है, अपनी मर्जी से आ रहे। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब ये है इनको न्याय मिले, और जो सरकार द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है इसको बंद किया जाए, जबकि ऐसा है नहीं कुछ, और इसमें पार्टी का भी नाम खराब हो रहा है, भाजपा पार्टी का। नाम आपका? प्रदीप सर। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तहसील में क्या मामला है? ये सर वो क्या कही यार, ठेका ले रहे हैं, घर में सब्जी लेने आए या कुछ मार्केट करने आए तो रुपए लेते हैं वो, 30 रुपए। 30 रुपए किस वाहन चालकों द्वारा लिया है? वाहन चालक है क्या? गाली देता है सर, दारू पीता है सर। कहाँ से कहाँ तक आप लोग टेम्पो चलाते हैं? गिरौर मैनपुरी। गिरौर मैनपुरी तो सभी टेम्पो चालकों से लिए जाते हैं? हाँ सब सभी पे लिए जाते हैं। पहले आपने शिकायत की थी पहले की थी थाने में थाने में शिकायत की थी, वो कुछ नहीं हुआ उसका।